सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे Azure पोर्टल, क्लाउड पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें $200 पर मंथ के हिसाब से एक VM चाहिए, जो कि हम बनाने जा रहे हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए दो तरीके का या दो मेथड हो सकते हैं। एक तो पैनल से आप यहाँ से वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कर लें, या आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड से आप वर्चुअल मशीन को के टैब को क्लिक कर लें। जैसे हम वर्चुअल मशीन की टैब को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा प्लस का, क्रिएट का। जैसे आप क्रिएट वर्चुअल मशीन में जाएंगे तो आपके पास एक फीचर सेट आ जाएगा, जिसको देखते हुए आपने एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। पास से एक वर्चुअल मशीन के लिए क्रिएट करने के लिए इन्वायरमेंट आ गया, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी चीज़ों को पुट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, जो कि सबसे पहले आपके पास जो टैग्स हैं, जिसमें बेसिक है, डिस्क है, नेटवर्किंग है, मैनेजमेंट है, एडवांस है, टैग्स है, और रिव्यू और क्रिएट है। लास्ट में सबसे पहले आपने बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या आपने देनी है, या फिर सब्सक्रिप्शन आपने देनी है। सब्सक्रिप्शन के बाद आपने रिसोर्स को करना है। सब्सक्रिप्शन तो आपकी एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम से जो भी ली हुई होगी, किसी और नाम से ली हुई होगी, आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई उसका टाइटल होगा। और रिसोर्स आप अपना नया भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई रिसोर्स बनाया हुआ या आपने पहले से कोई बनाया हुआ तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास नीचे आ जाता है कि आप वर्चुअल मशीन का नाम, आप कोई सा भी दे सकते हैं। टेस्टिंग टेस्ट पीएम भी दे सकते हैं, या कोई भी आप अपना नाम दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस रीजन के अंदर बना रहे हैं। US में बना रहे हैं आप, या किसी और रीजन में बना रहे हैं, आपके मल्टीपल रीजन है। बहुत सारी रीजन में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस अपने रीजन के अंदर बना रहे हैं, यानी कि आपने जो VM बनी हुई होगी वो आपने किस कंट्री के अंदर किस जगह पर आपने बनानी है, वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जहाँ चाहें बना सकते हैं। लेकिन अगर बनाएंगे हम US ईस्ट में बना लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपकी अपनी च्वाइस पे है कि आप अवेलेबिलिटी जोन रखें, कौन सा रखें। लेकिन अभी हम कोई भी नहीं बना रहे हैं, बेसिक लेवल की एक बना रहे हैं, जिसमें हम अवेलेबिलिटी जोन वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ नहीं स्टैंडर्ड की है, सिंपल रख रहे हैं। सिक्योरिटी टाइप भी स्टैंडर्ड ही रखेंगे। और इमेज आपके पास कौन सी होगी, यानी कि आपके पास जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा हो। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, विंडोज सर्वर है, यूबंटू है, सेंट्रोस है, विंडोज सर्वर 2012 है, R2 डेटा सेंटर, और उसके बाद आपके पास और भी मल्टीपल सूसीज है, रेड हैट है, ओरेकल है, जो भी आप जो रिक्वायरमेंट आपकी हो आप वो इसके अंदर क्लिक करें इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आपने अपनी साइज लोकेट करनी है, जो कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, जिसमें आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो कि 1 CPU, 3 CPU और 3.5 GB के साथ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके अलावा भी बोलती है, ये हम लोग ट्रायल बेस पे बना रहे हैं तो कोई भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड बना के, हम अपने यूज़र नेम चेक कर लेते हैं ये, और उसमें हम ये यूज़र नेम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यूज़र नेम रखा अपने हमने, और उसके बाद हमने कोई भी पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद जब पासवर्ड हमने रखने के बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड कंफर्म रख दिया आपने, और उसके बाद आपने आप जाएंगे नीचे। नीचे आपने कुछ कोर्स को अलाउ करना है, क्योंकि आपने RDP लेनी है, मशीन को एक्सेस करना है, उसके लिए आपने RDP रिमोट डेस्कटॉप के प्रोटोकॉल को आपने इनेबल रखना है, और वो आपने ऑप्शन को सेलेक्ट रखना है। लाइसेंस आपने कौन सा लेना है, विंडोज सर्वर खुद दे रहा होता है हमें, Azure में देता है, तो वही आपने रखना है, या नया कोई और आपने परचेज करना है, तो हम वही जो देगी जो Azure दे रहा है, हम वो उसी को ही देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका डिस्क का, स्टोरेज का, कि आपके पास स्टोरेज कौन सी होनी चाहिए। तो हम सिंपली जाते हैं जिसमें जाने के बाद आपके पास कौन सी रहेगी, प्रीमियम आप लेना चाह रहे हैं, ये स्टोरेज लेना चाह रहे हैं, इंक्रिप्शन आपने बाय डिफॉल्ट रखनी है, सारी चीज़ें आपने बाय डिफॉल्ट रखनी, और नेटवर्किंग में आपने नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे,
नेक्स्ट स्टेप में आपके नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद अपने वर्चुअल नेटवर्क्स आपका बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है वी नेट आप उसी को सिलेक्ट करें, और पब्लिक आईपी आप लेना चाह रहे हैं आपने सबनेट ये आपका रखा हुआ है पब्लिक आईपी, अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो न्यू आपको बाय डिफॉल्ट न्यू आईपी दे देगा, और बाकी सारी चीज़ें आप बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ रखें। नेक्स्ट मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, मैनेजमेंट में आपने क्या चीज़ें रखनी है बाय डिफॉल्ट सब चीज़ें रखें। इसमें बूट डायग्नोस्टिक इनेबल मैनेज की जो रिकमेंडेड है आप उसी को ही रखें, फिलहाल आइडेंटिटी को आप अनचेक रहने दें, और लॉगिन एज्योर को भी आप अनचेक रहने दें क्योंकि फिलहाल हमें स्टैंडर्ड लॉग भी चाहिए और बैकअप के लिए भी अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये टेस्टिंग है। और एडवांस में आए, एडवांस में भी हमें कोई भी एडवांस फीचर इनेबल करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इसको बाय डिफॉल्ट रखें क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड लॉग टेस्टिंग के लिए भी है, तो इसके लिए हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें ये मार्केट में खत्म करनी है। टैग आप टैग इसको किस डिपार्टमेंट या किस जगह पे टैग करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको नाम दे दें, अगर आप सब सपोर्ट या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को टैग करना चाहते हैं तो आप उसको लिखते हैं और उसकी वैल्यू भी सेट कर देते हैं 100 है, और उस 100 लिखते हैं जो भी आप अपनी वैल्यू उसको सेट करना चाहते हैं वो कर दें। उसके बाद रिव्यू करें कि जो चीज़ें आपने ली हैं वो सब सही हैं, अगर सही है तो आपकी एक वीएम क्रिएट होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं, इस वक्त हमारे पास जो वैलिडेशन है वो पास हो चुकी है और हमने तमाम चीज़ें वो कर ली हैं, अब हम वीएम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें जो हमने स्पेक्स सेट किए हैं वो स्पेक्स हमें बता रहा है कि ये आपने स्पेक्स रखे हैं, इस तरह के स्पेक्स को आपने और सारी डिटेल जो हमने जो इन्फॉर्मेशन हमने पुट की थी वो हमें डिस्प्ले कर रहा है, और अब हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। जस्ट क्रिएट पर क्लिक करें तो आपकी वीएम क्रिएशन के प्रोसेस में चलेगी, अब आपकी वीएम एक बनने के लिए तैयार है, और ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद जब जैसे ही ये वीएम क्रिएट हो जाएगी बन जाएगी तो उसके बाद आप अपनी वीएम को रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपको स्टैटिक आईपी मिलेगी उसके थ्रू आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी डिप्लॉयमेंट जो है वो हो रही है, प्रोसेस में है। जैसे आपकी ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप उस मशीन को इंटरनेट के थ्रू आरडीपी ले सकते हैं।